हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट 13.2 शुरू करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन क्या लिखा है कि इन ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स गिवन बिलो, मतलब यहाँ पे ट्रायंगल्स दिया है और पेयर करके दिया है, तो इन ईच पेयर पार्ट्स शोन बाय आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे जो आइडेंटिकल मार्क्स से जो पार्ट बताया है वो दोनों पार्ट्स इक्वल है, ये सब पार्ट्स क्या है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। हमें क्या बोला कि स्टेट द टेस्ट, हमको टेस्ट बोला है, एंड द वन टू वन करस्पॉन्डेंस भी हमको बोला है ऑफ वर्टाइसेस बाय विच ट्राइंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है वो बताइए, फिर वन टू वन करस्पॉन्डेंस बताइए। वन टू वन करस्पॉन्डेंस मतलब है कि कौन सा वर्टेक्स किसके साथ है, बाय विच ट्राइंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट, एंड रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, बाद में फिर जो बचते हैं पार्ट्स वो भी आप बता दीजिए कि वो कौन कौन से पार्ट्स है जो बचते हैं। तो हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए हमने क्या किया कि हमसे टेस्ट पूछा है, तो हमने टेस्ट के लिए एक स्पेस रखा है, फिर हमको वन टू वन करस्पॉन्डेंस पूछा है वो हम यहाँ पे बता देंगे, और उसके बाद फिर हमसे रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बोला है वो हम यहाँ पे बता देंगे। तो चलिए टेस्ट से शुरू करते हैं कि कौन से टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल बनने की वजह से यहाँ पे दो ट्रायंगल आ गया है, और वही है पेयर ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें इन्फॉर्मेशन जो हमको दिखाई दे रहा है वो क्या दिख रहा है, ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल 90 डिग्री का है, और फिर MS साइड जो है उसको सिंगल मार्किंग मिला है, और BT साइड जो है उसको भी सिंगल मार्किंग मिला है, तो ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, और ये दोनों एंगल इक्वल है। ये दो इन्फॉर्मेशन हमको दिखाई दे रहा है जो आइडेंटिकल मार्क्स हमको समझ में आ रहा है। हमें क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है वो टेस्ट बताना है। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है हमको तो ज्यादातर वो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट होता है, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और दूसरे ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल होना चाहिए, और कोई एक साइड इसमें और कोई एक साइड इसमें इक्वल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। जैसे देखिए ये है हाइपोटेन्यूज ये ट्रायंगल के लिए क्योंकि 90 के सामने है, और यही हाइपोटेन्यूज इसमें भी है, ये तो दिया नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, पर ये सिंस कॉमन साइड हो रहा है एम्प्टी, इसका मतलब ये दोनों के लिए इक्वल है, तो एम्प्टी जो है हाइपोटेन्यूज इसमें भी है, एम्प्टी जो है हाइपोटेन्यूज इसमें भी, तो दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज इक्वल है। फिर एक साइड है MS जो आइडेंटिकल मार्क्स से दिया हुआ है इसके अंदर, ये ट्राइंगल के अंदर, और दूसरा साइड है BT जो आइडेंटिकल मार्क्स से दिया हुआ है इस ट्राइंगल के अंदर। तो एक हाइपोटेन्यूज साइड और हाइपोटेन्यूज साइड, इन हाइपोटेन्यूज साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि हम लिखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल सपोज MST लिया हमने MST, तो दूसरा ट्राइंगल का नाम हम लोग ने ऐसा ले लिया, ये है MST, तो हमने इसको लिया TBM, तो इन ट्राइंगल TBM हम बोलेंगे। अब ये ट्राइंगल का इन्फॉर्मेशन इस तरफ लिखेंगे और ये ट्राइंगल का इन्फॉर्मेशन इस तरफ लिखेंगे, तो हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज MT हाइपोटेन्यूज MT ये ट्राइंगल में इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज MT, इसमें भी आ रहा है MT, क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज ये गिवन नहीं है लेकिन हमने ढूंढा इसको, तो ये है कॉमन साइड। तो एक इन्फॉर्मेशन हो गया हाइपोटेन्यूज, अब एक साइड बताना, और साइड यहाँ पे दिया है कि MS साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू BT, तो हम बोलेंगे साइड MS इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड, MS साइड कॉन्ग्रुएंट है BT को, तो साइड BT, ये क्यों हमने बोला, क्योंकि ये लोग ने दिया है इसके लिए हम बोलेंगे गिवन। तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट में सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है और वो दोनों हमको मिल गया, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं देयरफोर ट्राइंगल MST इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TBM, और उसका रीजन है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। तो ये टेस्ट से हमने क्या किया, दोनों ट्राइंगल को प्रूव कर दिया। अब हमें क्या बताना है, वन टू वन करस्पॉन्डेंस मतलब कौन से वर्टेक्स के साथ कौन सा वर्टेक्स है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इस ट्राइंगल का जैसा भी नाम लेना है सेम करस्पॉन्डिंग उस ट्राइंगल का भी लेना है, कि उसको टर्न करके अगर इसके ऊपर फिट किया जाए तो एकदम एग्जैक्टली फिट बैठे। तो समझिए मैंने इसका नाम इस तरह लिया है MST, जहां पे मैंने सिंगल मार्किंग से शुरू करके मैं इस पे आके एंड हुआ हूं, तो इसका नाम मैंने लिखा MST। तो ये सेकेंड वाले ट्राइंगल को किस तरह करस्पॉन्ड करेगा,
एमएसटी किया मैंने सिंगल मार्किंग से ये साइड पे आया हूं, तो यहां पे भी सिंगल मार्किंग से अगर शुरू करना है तो ये है सिंगल मार्किंग और फिर लास्ट में यहां पे आ सकते हैं। देखिए सिंगल मार्किंग फिर 90 डिग्री फिर लास्ट में यहां पे आए, तो वैसे यहां पे अगर देखेंगे तो सिंगल मार्किंग फिर 90 डिग्री और फिर लास्ट में यहां पे आएंगे, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा टी बी और एम। तो ये है करस्पोंडेंस, ऑलरेडी हमने शुरू भी किया था करस्पोंडेंस को लेकर, और ज्यादातर जब हम ये ट्राइंगल लिखते हैं ट्राइंगल एमएसटी एंड ट्राइंगल, तो यहीं पे हमको समझना चाहिए कि करस्पोंडेंस क्या है, उसको देखकर ही हमें लिखना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे कोई भी नाम देंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे जब कॉन्ग्रेंट का साइन आएगा तो यहाँ पे करस्पोंडेंस होना चाहिए, यहाँ पे आप कैसा भी नाम नहीं दे सकते हो। तो ये है करस्पोंडेंस जो एग्जैक्टली इक्वल है। अब हमें रिमेनिंग साइड्स बताना है, तो रिमेनिंग साइड्स क्या होता है स्टूडेंट्स, रिमेनिंग साइड्स मतलब ये कि जो गिवन है इसके अंदर उसको छोड़ के बाकी जो चीज ट्राइंगल में बचते हैं और वो कॉन्ग्रेंट रहते हैं वो हमें मेंशन करना रहता है यहाँ पे। जैसे देखिए हाइपोटनेस दोनों के लिए इक्वल था तो ये हमने लिखा, फिर एम एस साइड भी इक्वल था ये भी हमने लिखा, फिर एक एक एंगल ये भी इक्वल था, तो अब बचता क्या है, दो साइड और एक एंगल हमने यूज कर दिया, दो साइड हमने यूज किया है इसमें और एक एंगल उन्होंने गिवन दिया था, तो जब दो साइड यूज किया तो दो साइड और बचता है, तो वो दो साइड कौन सा बचता है स्टूडेंट, तो देखिये एम एस हमने लिया है नहीं लिया, लिया है देखिए एम एस हमने लिया है, फिर एम टी हमने लिया है, एम एस भी ले लिया है एम टी भी ले लिया, तो एक ही चीज बचता है एस टी, तो हम बोल सकते हैं कि साइड एस टी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड। अगर ये एस टी है करस्पोंडेंस में देखिए ये एस टी है तो ये है बी एम होना चाहिए, तो साइड बी एम को इक्वल होना चाहिए, और डायग्राम में देखेंगे तो एस टी और बी एम इक्वल है तो ये करेक्ट है। तो तीन साइड खत्म हो गया, दो साइड हमने गिवन में लिखा था और एक साइड बच रहा था तो वो लिखा, तो बचने वाले को क्या बोलते हैं रिमेनिंग। अब एंगल में एक 90 डिग्री दिया है तो दो एंगल और बचना चाहिए, तो दो एंगल कौन से हो सकते हैं। अब रिमेनिंग एंगल में क्या करेंगे, जैसे अगर ये ट्राइंगल को कंसिडर किया हमने तो इसके अंदर ये 90 डिग्री दिया हुआ था, तो इसको छोड़कर बाकी के दो एंगल बचते हैं, ये एंगल और ये एंगल, तो हम इस एंगल का नाम लेते हैं एंगल एस एम टी, एंगल एस एम टी ये बच रहा है और वो किसको काउंट रहेगा वो भी हम चेक करेंगे, और दूसरा एंगल बचेगा ये एस टी एम, तो बचेगा एंगल एस टी एम। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर हमारा करस्पोंडेंस राइट है तो इसके करस्पोंड में जो एंगल आता है उसका नाम यहीं से हमें समझ में आएगा, हमने क्या लिखा एस एम टी, एस एम टी मिडल फिर फर्स्ट फिर लास्ट, तो यहां पे वही करना पड़ेगा बी टी एम, बोलेंगे एंगल बी टी एम, तो देखिए एस एम टी बी टी एम, तो ये वाला एंगल को इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ पे एस टी एम लिया है, एस टी एम लिया मिडल लास्ट और फर्स्ट किया है, तो मिडल लास्ट और फर्स्ट तो बी एम टी आ जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा एंगल बी एम टी। तो इस तरीके से हमको रिमेनिंग साइड्स या रिमेनिंग एंगल जो भी बचते हैं वो बताना है, रिमेनिंग पार्ट्स बोला है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे साइड्स लिखा है तो ये रिमेनिंग पार्ट्स आ जाएंगे, तो रिमेनिंग पार्ट्स में चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड्स हो जो भी बचता है वो बताना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो फिगर दिया वो इस तरीके से है और वो भी ज्वाइंट है यहाँ पे, तो हमें टेस्ट बताना है फिर वन टू वन करस्पोंडेंस बताना है और फिर रिमेनिंग पार्ट्स बताना है। तो चलिए टेस्ट के लिए हम देखते हैं दो ट्राइंगल में क्या गिवन है, उसके बाद फिर किस टेस्ट से हम इसको प्रूव करेंगे। तो इस ट्राइंगल में यहाँ पे एक सिंगल मार्किंग है और इस ट्राइंगल में यहाँ पे एक सिंगल मार्किंग है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। फिर इस ट्राइंगल में ये डबल मार्किंग है और इस ट्राइंगल में ये डबल मार्किंग है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। इसका मतलब ट्राइंगल में सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, ये इसके इक्वल में और ये इसके इक्वल में, मतलब दो साइड हमें दिख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, दो साइड हमारे पास, दो साइड है। तो अभी हमारे पास जो टेस्ट है टोटल वो कैसे है, साइड 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 टेस्ट है, साइड एंगल साइड टेस्ट है, साइड एंगल एंगल बोलिए या एंगल एंगल साइड बोलिए, फिर हाइपोटेन्यूज साइड बोलिए, और एक है एंगल साइड एंगल टेस्ट। तो ऐसे पांच टेस्ट है हमारे पास, तो इन टेस्ट में से इसमें कौन सा टेस्ट आने वाला है ये हमें चेक करना है। तो दो साइड है हमारे पास, अगर ये टेस्ट से प्रूव करना है तो तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, तो तीसरा साइड के बारे में कुछ नहीं दिया है तो ये टेस्ट हम कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये टेस्ट से प्रूव करना है तो दो साइड चाहिए और उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल चाहिए, तो इसको हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम देखते हैं।
लेकिन साइड एंगल एंगल में एक ही साइड चाहिए तो दो साइड दिया है तो ये टेस्ट भी कैंसिल होता है। हाइपोटेनस साइड टेस्ट में 90 डिग्री चाहिए वो भी नहीं है। एंगल साइड एंगल में दो एंगल दो साइड चाहिए और सॉरी एक साइड चाहिए और दो एंगल चाहिए और हमारे पास दो साइड है तो ये भी कैंसिल होता है। मतलब ज्यादातर चांसेस है कि साइड एंगल साइड टेस्ट से ट्राइंगल कॉन्वर्ट होगा। तो जिसके जिसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये साइड के इक्वल में है और ये साइड के इक्वल में है, तो ये दोनों साइड के बीच में ये जो एंगल है यहाँ पे और ये दोनों साइड के बीच में ये जो एंगल है यहाँ पे, क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? तो दिया तो नहीं है, पर हमको पता है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है और वो दोनों इक्वल होता है। तो हमने प्रूव कर दिया, हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो अब हम बोल सकते हैं कि साइड एंगल साइड टेस्ट से दोनों ट्राइंगल कॉन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, हम लिखते हैं इन ट्राइंगल। अब यहाँ पे नेमिंग आप कैसा भी दे दीजिए, जैसे मैंने पी आर क्यू दिया है, या ऐसा समझिए कि नेमिंग देने टाइम आप करस्पोंडेंस साथ में रखे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैंने नाम पी आर क्यू लिखा यहाँ पे, तो इन ट्राइंगल पी आर क्यू एंड ट्राइंगल। अब जैसे मैंने पी आर क्यू लिखा है पी आर क्यू, तो मैंने क्या किया, सिंगल मार्किंग से डबल मार्किंग से होते हुए रिटर्न आया, तो वही चीज यहाँ पे करेंगे, सिंगल मार्किंग से डबल मार्किंग पे होते हुए रिटर्न आएंगे, तो उसका नाम बन जाएगा टी आर एस, टी आर एस हो जाएगा। तो हम बोलेंगे इन पी आर बी एंड इन ट्राइंगल टी आर एस। अब देखिए जो जो चीज उन्होंने दिया वो लिखते हैं, जैसे लिखा है कि साइड पी आर, साइड पी आर साइड टी आर के इक्वल में, तो बोलेंगे साइड पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड टी आर क्यू, क्योंकि ये गिवन है। तो थोड़ी देर में लिखते हैं क्योंकि दो चीज यहाँ पे गिवन है, दोनों को एक साथ लिख देते हैं। उसके बाद साइड क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एस आर, तो हम लिखते हैं कि साइड क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड, जैसे अगर एक बार आप करस्पोंडेंस बराबर लिखते ना तो यहीं से देख के समझ में आएगा, क्यू आर तो एस आर, क्यू आर तो एस आर, तो हम बोल सकते हैं कि साइड एस आर के इक्वल में है। तो ये दोनों भी हमको गिवन था, इसके लिए हमने क्या लिखा यहाँ पे कि ये गिवन है। फिर एक जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल हमने फाइंड आउट किया है। तो हम बोल सकते हैं एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू ये कॉन्ग्रुएंट है। अब यहां से देखिए, अगर हमने पी आर क्यू लिखा तो इसका नाम बनना चाहिए टी आर एस, तो हम डायरेक्ट अगर फिगर में नहीं देखें तो यही से बोल सकते हैं एंगल टी आर एस के इक्वल में, और ये क्यों इक्वल है, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसको फुल फॉर्म में लिखिए, तो पी आर क्यू, पी आर क्यू टी आर एस, टी आर एस अपने आप का रेस्पॉन्स बन जाता है। तो तीन इन्फॉर्मेशन हमको दिखाई दिया और उसका पैटर्न के साथ साइड साइड और एंगल, तो हम बोल सकते देर फोर ट्राइंगल पी आर बी, पी आर बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टी आर एस, टी आर एस, और रीजन रहेगा उसका साइड एंगल साइड टेस्ट। तो ये हमने एंगल को ये हमने ट्राइंगल को प्रूव कर दिया टेस्ट से। अब हमें करस्पोंडेंस देखना है, तो हमने ऑलरेडी करस्पोंडेंस लिखा है स्टूडेंट्स, या अगर इसको नहीं लिखते ये करस्पोंडेंस छोड़ के कुछ और भी करस्पोंडेंस लिखेंगे तो भी चलेगा। जैसे हम लोग ने पी क्यू आर लिखा, इसको इसको लिखा कि पी क्यू आर, तो हमें करस्पोंडेंस देखना कि इसके साथ वो ट्राइंगल कैसा रहेगा। तो हमने क्या किया, जो साइड हमको नहीं दिया था तो उसके ऊपर होते हुए डबल मार्किंग पे गए और बोले पी क्यू आर, तो वही चीज यहाँ पे करना पड़ेगा, जो साइड हमको नहीं दिया उसके होते हुए डबल मार्किंग पे आना पड़ेगा, तो इसका नाम बन जाएगा टी एस आर। तो हम बोल सकते हैं कि पी क्यू आर और टी एस आर के करस्पोंड में रहेगा, तो पी क्यू टी एस के करस्पोंड में आ जाएगा, पी क्यू टी एस के करस्पोंड में आ जाएगा, क्यू आर एस आर के करस्पोंड में आ जाएगा, क्यू आर एस आर के करस्पोंड में आ जाएगा, और पी आर टी आर के करस्पोंड में आएगा, पी आर टी आर के करस्पोंड में आएगा। तो यह है एक्चुअल करस्पोंडेंस। अब हमें रिमेनिंग पार्ट्स बताना है। अब रिमेनिंग पार्ट्स में हम देखेंगे कि कौन कौन से रिमेनिंग पार्ट्स बचते हैं। जैसे हमारा टेस्ट था साइड एंगल साइड टेस्ट, मतलब हमने दो साइड और एक एंगल यूज कर लिया, तो दो एंगल और एक साइड बचता है तो उसको बोलते हैं रिमेनिंग। तो ये दोनों चीज हमको, ये तीनों चीज हमको बताना है कि दो एंगल बताना है कि कौन से दो एंगल इक्वल रहेंगे और कौन सा एक साइड इक्वल रहेगा। तो साइड स्टूडेंट्स कौन सा इक्वल रहेगा, अगर ये और ये साइड, ये और ये साइड उन्होंने इंक्लूड कर लिया है, उन्होंने दे दिया है, तो ये साइड बचता है, तो हम बोल सकते हैं कि साइड
क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा साइड, देखिए यहां पे बोल सकते हैं पी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा साइड टी एस को, साइड टी एस को। तो स्टूडेंट्स एक चीज और आपको नोट करना है कि इसका रीजन होता है, और वो रीजन है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो हमने पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं लिखा है वो आपको लिखना है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या था, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सिंस हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड रहेंगे वो अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बता दिया, तो एक साइड जो बच रहा था वो हमने बता दिया, अब दो एंगल जो बच रहा है वो बताएंगे। तो एक एंगल हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल से फाइंड आउट किया था, तो ये एंगल और ये एंगल बचता है, तो इसका नाम अगर मैंने क्यू पी आर लिखा तो मैं बोलूंगा एंगल क्यू पी आर, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको, तो यहां से समझ में आएगा क्यू पी आर लिया है फर्स्ट, सॉरी मिडल फर्स्ट और लास्ट लिया है, तो मिडल फर्स्ट और लास्ट एस टी आर, तो हो सकते हैं एंगल एस टी आर के इक्वल में रहेगा। तो एक एंगल ये हो गया, अब एक एंगल ये भी बाकी, इसका नाम अगर हमने पी क्यू आर लिया है, एंगल पी क्यू आर, तो ये किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, देखिए पी क्यू आर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो टी एस आर, तो एंगल टी एस आर के इक्वल में रहेगा। और इन दोनों का रीजन क्या रहेगा स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हमने यहाँ पे साइड बताया था इसके लिए करस्पॉन्डिंग साइड लिखा है, और यहाँ पे एंगल बताया इसके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल लिखा है। तो जब भी ट्राइंगल प्रूव हो जाता है उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट हम लिखते हैं तो उसके रीजन हमें ये लिखना पड़ता है, साइड के लिए साइड लिखना पड़ता है, साइड के लिए साइड लिखना पड़ेगा, और एंगल के लिए एंगल लिखेंगे, और एंगल के लिए एंगल लिखना पड़ेगा। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन भी फिनिश होता है, अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें ये फिगर दिया है और हमें ये दो ट्राइंगल जो अटैच हुआ है इसको बताना है कि कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, और उसके बाद वन टू वन करस्पॉन्डेंस और फिर रिमेनिंग पार्ट्स। तो चलिए देखते हैं किस तरह हम उसको प्रूव करेंगे। तो गिवन क्या है स्टूडेंट्स, ये दोनों आइडेंटिकल मार्क है, जिसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एक चीज है मतलब एक एंगल मिल गया हमको दोनों के अंदर। फिर ये आइडेंटिकल मार्क है और ये आइडेंटिकल मार्क है, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, मतलब एक एंगल और मिल गया। तो ये दो एंगल हमें दिया है और बाकी कहीं पे भी आइडेंटिकल मार्क नहीं दिख रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि दो एंगल से ज्यादातर चांसेस कौन से टेस्ट के हैं, तो ये टेस्ट का तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज तीनों साइड चाहिए उसके अंदर, इसमें एक ही एंगल चाहिए पर हमारे पास दो एंगल है, इसका भी कोई चांसेस नहीं है। इसमें दो एंगल है और एक साइड है तो इसके चांसेस हो सकते हैं, और इसमें भी दो एंगल है और एक साइड, इसके भी चांसेस हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनस साइड टेस्ट में ये राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं, तो इसके बिल्कुल कोई चांस नहीं है। तो हमको इन दो में से चेक करना है कि कौन से टेस्ट से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए इसके लिए क्या होना चाहिए, वो दोनों एंगल के मिडल में साइड होना चाहिए जो इक्वल रहेगा, और इसके लिए क्या होना चाहिए, वो दोनों एंगल के बाद होना चाहिए साइड, वो दोनों एंगल के बाद होना चाहिए साइड। तो सबसे पहले साइड को हम देखते हैं, क्योंकि एक साइड हमारे पास नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखते हो तो ये दोनों ट्राइंगल ज्वाइंट हुआ है, और वो ज्वाइनिंग पोजिशन जो है वो डीसी का है, तो डीसी का ऐसा साइड है जो कॉमन है इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, तो हमें जो साइड मिलना चाहिए वो डीसी मिलना चाहिए। तो ये साइड जो है डीसी, ये कॉमन है दोनों के लिए और ये कॉन्ग्रुएंट भी है। तो ये साइड का पोजीशन कहाँ पे है, दोनों एंगल के बाद में स्टूडेंट्स, दोनों एंगल के बिटवीन में नहीं है, ये एंगल और ये एंगल के बीच में जो एच सी साइड है ये नहीं है, वो साइड जो हमको मिला कॉमन डीसी मिला, तो एंगल हुआ फिर एंगल हुआ फिर साइड आ गया, तो एंगल हुआ फिर एंगल हुआ फिर साइड आया, एंगल और एंगल के बीच में नहीं है, मतलब ये टेस्ट भी नहीं हो सकते। तो एक ही टेस्ट बचता है साइड एंगल एंगल, हम बोल सकते हैं साइड फिर एंगल बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं एंगल 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 फिर साइड। तो ये टेस्ट है जिससे हम प्रूव करेंगे कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें दो एंगल गिवन था, एक साइड हमने फाइंड आउट किया और वो है कॉमन साइड, तो हम उसको लिखते हैं कि इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल का नाम कुछ भी ले लीजिए, मैं यहां पे लिखता हूं डी एच सी, तो डी एच सी एंड ट्राइंगल। तो यहां पे फिर से देखेंगे हमने क्या किया, ये पार्ट से क्रॉस पे आके फिर ये वाले मार्किंग पे है, तो हमें यहां पे वही करना पड़ेगा, ये पार्ट से क्रॉस पे आना पड़ेगा फिर ये वाले मार्किंग पे आना पड़ेगा, तो इसका नाम बन जाएगा डी एफ सी। तो इन ट्राइंगल डी एच सी एंड ट्राइंगल डी एफ सी, तो हमने क्या किया, देखिए स्टूडेंट्स हमने करस्पॉन्डेंस को पहले ही लिख दिया यहाँ पे, ये ज्यादा बेटर होता है करस्पॉन्डेंस को पहले लिखना। अब हमें बताना है, देखिए हम बोलेंगे कि एंगल एच जो है, क्लियरली एक सेपरेट एंगल इसके लिए एच लिख सकते हैं सिंगल नाम पे, एंगल एच है जो कॉन्ग्रुएंट है एंगल एफ को, बिकॉज ये गिवन है।
उसके बाद फिर एक एंगल और गिवन है और वो एंगल ये है जिसको हम सिंगल लेटर से नहीं बोलेंगे, तो इसका नाम बोल सकते हैं डी सी एच। तो एंगल डी सी एच कॉन्ग्रुएंट है, यहां से मिल सकता है, देखो डी सी एच बोला है तो डी सी एफ आ जाएगा, तो एंगल डी सी एफ को, और ये भी क्या है गिवन है, तो ये दोनों का रीजन क्या आ जाएगा गिवन आ जाएगा। तो दो एंगल हमने बता दिया। अब एक साइड जो है डीसी ये कॉमन है, तो हम बोल सकते हैं कि साइड डीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डीसी, मतलब डीसी जो है इस ट्राइंगल पे भी है डीसी, और डीसी जो है वो इस ट्राइंगल पे भी है, और वो दोनों कॉन्ग्रुएंट इसलिए बिकॉज वो दोनों कॉमन साइड है, जो गिवन में नहीं मिलेगा हमको वो है कॉमन साइड। तो अब हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल DHC और DFC, ट्राइंगल DHC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DFC, और उसका टेस्ट रहेगा एंगल एंगल साइड टेस्ट, एंगल एंगल साइड टेस्ट या साइड एंगल एंगल टेस्ट बोल सकते हैं। तो ट्राइंगल प्रूव हो गया। अब हमें करस्पोंडेंस बताना है, करस्पोंडेंस हम यही कॉपी कर सकते हैं बिकॉज हमने ऑलरेडी करस्पोंडेंस लिया, तो हम लिखते हैं DHC करस्पॉन्ड करता है DFC को, तो ये करस्पोंडेंस है। अब रिमेनिंग पार्ट्स में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, दो एंगल यूज किया और एक साइड यूज किया, तो इसका मतलब बचता क्या है फिर, अगर दो एंगल यूज कर लिया है तो एक एंगल बचता है, और एक साइड यूज किया तो दो साइड बचता है, तो हमें ये तीनों चीज यहाँ पे बताना है। तो एक एंगल जो बचता है वो कौन सा है, अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये दो एंगल यूज किया था तो ये एंगल बचता है, तो इसका नाम क्या रहेगा एंगल HDC। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल HDC ये किसके कॉन्ग्रुएंट पर रहेगा, यहीं से समझेगा, देखिए HDC बोला है तो FDC के इक्वल में रहेगा, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल FDC के इक्वल में रहेगा, और उसका रीजन क्या रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। उसके बाद एक साइड तो हमने एक एंगल तो बता दिया, अब दो साइड बचता है, तो ये साइड हमने कॉमन बताया था, उसके बाद तो हमने कुछ नहीं बताया था, फिर ये साइड इक्वल हो जाएगा DH इक्वल हो जाएगा DF को, तो हम लिख सकते हैं कि साइड DH ये बन जाएगा कॉन्ग्रुएंट साइड DF को, और एक साइड और साइड HC इक्वल हो जाएगा साइड FC को, तो बोल सकते हैं एंड साइड HC ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा साइड FC को, और इन दोनों का रीजन क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स बोल देंगे, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है, अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या लिखा है कि इन द एडजेसेंट फिगर सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट EC। तो इस फिगर में AD और EC कॉन्ग्रुएंट है और आइडेंटिकल मार्क्स यहाँ पे बना हुआ भी। हमें क्या बोला कि विच एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज नीडेड टू शो दैट ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल EBC विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय AAS टेस्ट। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स कि हमें क्या करना है इस ट्राइंगल को AAS टेस्ट से प्रूव करने के लिए ये बताना है कि और कौन कौन से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें चाहिए रिक्वायर्ड है यहाँ पे। मतलब क्या स्टूडेंट्स कि AA टेस्ट के लिए दो एंगल और एक साइड चाहिए, तो इन्होंने सिर्फ साइड ही दिया, तो इसका मतलब है कि और दो एंगल इनको देना चाहिए था, तो हमें बताना है कि वो दो एंगल कौन से होना चाहिए। तो कैसे होएगा स्टूडेंट्स देखते हैं, अब ये दोनों एंगल कंटिन्यू होना चाहिए और साइड अलग होना चाहिए, तो ये दो एंगल हम ले नहीं सकते बिकॉज दोनों एंगल के फिर मिडल में आ जाएगा ये साइड और वो AS टेस्ट हो जाएगा। तो ये साइड और फिर ये एंगल और ये एंगल अगर हमने लिया तो बोल सकते हैं कि एंगल एंगल और साइड टेस्ट। तो एक तो मतलब एक रिक्वायरमेंट है कि ये एंगल और ये एंगल इस ट्राइंगल के अंदर, और इसके लिए ये एंगल क्योंकि दोनों इक्वल होगा, और ये इक्वल इसको नहीं होगा स्टूडेंट, ये इक्वल इसको हो जाएगा। अगर आप देखते हैं शेप में भी तो आपको समझेगा कि ये लॉन्गर साइड है और ये शॉर्टर साइड है, तो लॉन्गर साइड के करस्पॉन्ड में रहेगा और शॉर्टर साइड के करस्पॉन्ड में रहेगा, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल में रहेगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल में रहेगा। मतलब अगर ये दो इन्फॉर्मेशन वो लोग और दे देंगे तो एक रिक्वायरमेंट ये होना चाहिए स्टूडेंट्स की एंगल एंगल साइड टेस्ट से प्रूव करने के लिए
उनको ये एंगल के इक्वल में और ये एंगल के इक्वल में देना चाहिए, तब जाके एंगल एंगल और साइड टेस्ट से ये ट्राइंगल कॉन्वर्ट हो जाएगा। तो एक रिक्वायरमेंट हम लिख लेते हैं, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। तो देखिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या रहेगा कि हम लिखेंगे कि द एडिशनल इंफॉर्मेशन needed to show the triangle ABD and triangle EBC to be congruent by AAS test। मतलब क्या कि वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए जिससे हम ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए बी सी को ए ए टेस्ट से प्रूव करेंगे, तो उसमें फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा कि उनको ये एंगल, उनको ये एंगल के इक्वल में देना पड़ेगा और उनको ये एंगल के इक्वल में देना पड़ेगा, तब जाके ये एंगल एंगल साइड टेस्ट से कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि उनको देना पड़ेगा कि एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। डबल मार्किंग से सिंगल मार्किंग, डबल मार्किंग से यहां पे आए हैं तो डबल मार्किंग से लॉन्गर साइड पे है, तो उसका नाम बनेगा एंगल ई बी ई सी बी। वैसे एंगल ले रहे हैं तो एंगल का कोई ऐसा करस्पॉन्डेंस नहीं होना चाहिए, एंगल तो कैसा भी ले सकते, ट्राइंगल के टाइम हमें बताना पड़ता है। तो ये एंगल को बताने के लिए क्या बोलेंगे, एंगल ई सी बी, तो एंगल ई सी बी ये उनको देना पड़ेगा और साथ ही साथ में ये एंगल, मतलब एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई। तो एक तो ये है स्टूडेंट्स, मतलब अगर ये दो एंगल और दिया होता तो हम बोल सकते थे कि ये दोनों ट्राइंगल एंगल एंगल साइड टेस्ट से इक्वल है। लेकिन क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है, तो एक पॉसिबिलिटी और स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल में दिया जाता तो भी हम बोल सकते थे एंगल एंगल साइड टेस्ट से दोनों ट्राइंगल कॉन्वर्ट, इसको छोड़ देते अगर, तो एक तो इस तरफ से ये दोनों एंगल दिए होते तो भी जो हमने लिखा है वो चीज भी राइट है। और दूसरा एक पॉसिबिलिटी है कि ये एंगल और ये एंगल दिया जाता अगर तो भी हम बोल सकते थे कि एंगल एंगल साइड टेस्ट से दोनों ट्राइंगल कॉन्वर्ट है। तो यहाँ पे हम सेकेंड वाला ऑप्शन लिखते हैं कि हमको सेकेंड क्या मिल सकता है, सेकेंड, तो हम सेकेंड बताते हैं कि एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी ये कॉन्वर्ट होना चाहिए, ए डी बी बोला है तो फिर बोलना पड़ेगा सी ई बी, एंगल सी ई बी, और दूसरा वापिस से सेम एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी ये कॉन्वर्ट होना चाहिए था एंगल सी बी ई को, एंगल सी बी ई को। मतलब अगर ये दो रिक्वायरमेंट, ये दो चीज और गिवन होता था तो हम इस दोनों ट्राइंगल को एंगल एंगल साइड टेस्ट से प्रूव कर सकते थे कि कॉन्वर्ट है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि एक इन्फॉर्मेशन सिर्फ दिया था और हमें एक ही टेस्ट से पूछा था कि इस टेस्ट से प्रूव करने के लिए और क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था। तो अगर ये दोनों एंगल देते थे तो भी एंगल एंगल साइड टेस्ट से कॉन्वर्ट हो जाता था, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया दोनों एंगल, और ये दोनों एंगल अगर दिया जाता था तो भी ये दोनों ट्राइंगल एंगल एंगल साइड टेस्ट से कॉन्वर्ट हो जाता था, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये लेसन यहाँ पे फिनिश होता है, थैंक यू वेरी मच।